नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम इस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है जीटीएन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर में हमें अभी जो हाल देखने को मिल रहा है, काफी दिनों से हमें लगातार गिरावट पर गिरावट देखने को मिल रही है, और ये शेयर जो है काफी ज्यादा हमें अप डाउन देखने को मिल चुका है, क्योंकि जो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था उसको इसने ब्रेक कर दिया है, और जो है अब ये जो अपना शेयर है जीटीएन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हमें डाउन देखने को मिल रहा है। बात करेंगे हम इस वीडियो में कि इसमें जो हमें गिरावट देखने को मिल रही है, ये गिरावट आपको इसी प्रकार से कब तक देखने को मिलने वाली है, और जो लोग भी ऑलरेडी इस शेयर में इन्वेस्टेड है वो लोग अपने इसमें नेक्स्ट मूव क्या ले सकते हैं, और जो लोग इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं वो लोग कौन से लेवल पे अपने इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, आपका कौन सा बेस्ट लेवल बाइंग करने के लिए इसमें रहने वाला है, और जो लोग भी इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं कहां पर आपका बेस्ट लेवल है और बाइंग जहां करनी है, कि क्या अभी बाइंग करने का सही समय है भी कि नहीं, या आपको बाइंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। इसके अलावा इसके आगे के कौन से टारगेट रहेंगे, कहां पर आपको फोकस करना सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का, साथ में जो है इस कंपनी का आगे फ्यूचर कैसा है, कंपनी फ्यूचर में क्या टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी, आपको सारी बातें बताएंगे हम इस वीडियो में। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें, और साथ में आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हम फ्री में इंट्राडे ट्रेड, बीटीएसटी स्टॉक, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के जो सबसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं, ये सारी सुविधा आपको हम इस ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं। वो भी बिल्कुल फ्री, आपको ग्रुप को ज्वाइन करने का कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे करते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप पहले स्टॉक ट्रेड करते हैं, या आप जो है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में, तो ये सारी सुविधा आपको मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और ग्रुप को ज्वाइन करने का कोई भी आपको चार्ज पे नहीं करना है। आपको ये सारी सुविधा जो मैंने बताई आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी, और आपको एक रुपये का भी चार्ज पे नहीं करना है इस सारी सुविधा का फायदा उठाने के लिए। तो ग्रुप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप की जो लिंक है वो अपनी बॉक्स में पड़ी, उस पर क्लिक करते ही आप हमारे इस ग्रुप को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, कैसे क्या हमें ट्रेड देखने को मिली है जीटीएन इंफ्रास्ट्रक्चर में आज के अंदर। अगर आप इसका आज का हाल देखें तो हमें अगेन देखिए 1.20 रुपये पर ओपनिंग देखने को मिली थी, और ओपनिंग के बाद देखिए इसने अपना 1.30 रुपये का हाई लगाया, और लेकिन हाई लगाने के बाद देखिए क्या हुआ, इसमें काफी बार ऊपर नीचे में ये शेयर करता हुआ देखने को मिला, और लो उसने अपना 1.20 रुपये का भी टच किया, और फाइनली क्लोजिंग हमें जो है आज फिर से न्यूट्रल मोड पर देखने को मिली, जो उसकी प्रीवियस क्लोजिंग थी 1.25 रुपये, उसी पर हमें आज हमें इसमें ओपन जो है क्लोजिंग देखने को मिली है 1.25 रुपये पर। बात करें 1 वीक में, तो 1 वीक में लगभग 7.41% की गिरावट, और 1 मंथ में लगभग देखें तो 19.35% की गिरावट अभी तक इसमें देखने को मिल चुकी है। अब बात करते हैं कि इसमें गिरावट का रीजन क्या है, क्यों हमें गिरावट देखने को मिल रही है, साथ में जो है गिरावट आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। पहली चीज तो ये देखिए, ये जो कंपनी की हालत बहुत बुरी खराब हो चुकी है, कंपनी देखिए बहुत ज्यादा अपने लॉस में, कंपनी पर ऑलरेडी काफी बड़ा कर्जा हो रखा है, एक कंपनी के पास जो है ऑलरेडी जो है कर्जा इतना बड़ा है कि कंपनी और ज्यादा जो है लगातार कर्जा ले रही है, और कर्जा लेने के जो है अपना ये बोले तो अपना लोन चुका रहे हैं, साथ में जो है अपनी जो होल्डिंग है प्रमोटर्स की इसमें बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बेच के अपना जो है लॉस को कम कर रहे हैं, और अपना एक्सपेंशन जो काम ऑपरेशन के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो पैसा जो है अपने होल्डिंग बेच के कर रहे हैं। तो कंपनी की हालत देखें तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन कंपनी जो कि ऑलरेडी काफी नीचे आ चुकी है, तो इसके बाद अब नीचे जाने का और ज्यादा जो है मौका बचा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी बहुत ज्यादा जो है कर्जे में है, और अब जो है इसका जो रिजल्ट आने वाला है 17 मई को वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर कंपनी का रिजल्ट इस बार भी जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव रहता है, कंपनी इस बार भी बहुत ज्यादा लॉस में रहती है, इसकी संभावना काफी ज्यादा है कि कंपनी के जो रिजल्ट है नेगेटिव ही रहेंगे, पॉजिटिव नहीं रहेंगे कि एकदम से कंपनी प्रॉफिट में आ गई ये तो नहीं होगा, लेकिन कंपनी इस क्वार्टर में भी आपको नेगेटिव में देखने को मिलने वाली है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितना नेगेटिव रहेगी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है, क्योंकि कंपनी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो इस कंपनी में वही लोग पैसा लगाएंगे जिनका रिस्क अच्छा खासा है, मतलब कि जो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी देखिए बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन ऑपरेटर भी स्टॉक है, तो ऑपरेटर जब किसी भी स्टॉक में अपनी एंट्री लेता है तो कंपनी कितने भी बड़े कर्जे में हो, कंपनी कितना भी लॉस में हो, उस स्टॉक का रॉकेट बनना तय है, ठीक है, चाहे वो कंपनी कितना भी कर्जे में हो, कंपनी कितनी भी खराब हालत में हो, लेकिन जब ऑपरेटर अपना एंट्रेंस किसी भी कंपनी में लेते हैं तो उस शेयर में काफी अच्छी हमें तेजी देखने मिलती है, और वो जो शेयर है अपना काफी अच्छा बढ़ता हुआ हमें देखने मिलता है। बाकी कंपनी की हालत इसमें बहुत ज्यादा खराब है, तो जो लोग भी कंपनी में इंटरेस्टेड है तो वही लोग पैसा लगाएंगे जो लोग जो है अपना रिस्क लेने को तैयार है, क्योंकि रिस्क इसमें बहुत ज्यादा है, कंपनी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है और कंपनी बहुत ज्यादा रिस्की है, तो जिनका पैसा है जो है अगर बोले तो जिनकी कैपिटल ज्यादा है और कैपिटल के साथ साथ जिनका रिस्क ज्यादा है वही लोग पैसा लगाएंगे, जिनका रिस्क कम है कैपिटल कम है वो इस कंपनी से बहुत ज्यादा दूरी बना के रखें, इसमें बिल्कुल भी आप निवेश ना करें, गलती से भी इस कंपनी में पैसा अपना ना लगाएं। बात करते हैं लेवल्स की, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट लेवल है और इसके क्या है आपको कहाँ पर फोकस करना है। देखिए अगर आप गौर करें आज का वॉल्यूम देखें तो काफी अच्छा बढ़ा है, देखिए आज वॉल्यूम में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है, और साथ में देखें तो ये अपना ये जो स्टॉक है ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया। देखिए आप देखें इसका RSI, तो RSI लगभग देखिए 24.33 देखने को मिल रहा है, मतलब कि RSI में हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने मिल चुकी है, और ये जो शेयर है काफी ज्यादा क्योंकि हमें डाउन साइड मूव देखा चुका है, तो हमें काफी अच्छे मौके बन रहे हैं कि इसमें हमें फिर से अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है।
तो देखिए मैंने आपको एंट्री कहाँ लगाई थी, मैंने आपको बोला था कि अगर आपका ये जो शेयर है यहाँ पर सस्टेन करे 1/40 पैसे पर, तो आप यहाँ पर अपनी एंट्री ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा आपका लेवल 1/40 पैसे बाइंग करने का रहने वाला है। और देखिए इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, और मैंने आपको बोला था कि आपको अपना स्टॉप लॉस कितना लेना है, स्टॉप लॉस 15 रुपये, मैं माफ़ी 15 पैसे 20 पैसे, उससे आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना, आप इसके बाद अपना एग्जिट इसमें कर सकते हैं। तो आपका सपोर्ट इसमें कहाँ पर हमने आपको दिया, मतलब कि 1/15 पैसे 20 पैसे, आपको इस लेवल पर अपना रखना है फोकस। इसके नीचे अगर ये जाए तो आप फिर अपने इसमें एग्जिट कर सकते हैं, आप फिर इसमें नहीं रोकेंगे। मतलब कि आपको आपका कितना है आपका स्टॉप लॉस, लगभग 15 पैसे देके 20 पैसे आपका रहेगा स्टॉप लॉस, उससे ज़्यादा आपको फिर अपना जो है स्टॉप लॉस नहीं लेना है, और फिर आप इसमें अपना एग्जिट कर देंगे। और देखिए ऑलमोस्ट ये अपना ओवरफॉल चल रहा है, तो काफ़ी अच्छे चांस है कि इसमें आपको अगेन अपना फिर से बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी आपका जो सपोर्ट है कहाँ पर है, वो 1 रुपये पर रहने वाला है। सपोर्ट नंबर 1 कहाँ पर है, 1 रुपये का लेवल आपका सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। बाकी जो लोग भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, अगर आप जो है लॉस में है काफ़ी बड़े, तो आप जो है अपने लॉस को जो है मेंटेन करें, अपना रिस्क को मैनेज करें, और साथ में जिन लोगों ने एंट्री यहाँ पर ली है वो लोग जो है अपना स्टॉप लॉस मैक्सिमम जो है 20 पैसे 25 पैसे, उससे आपको अपना स्टॉप लॉस नहीं देना है। 20 पैसे आपका मैक्सिमम है, उससे अगर आपका और भी ज़्यादा रिस्क है तो 25 पैसे, उससे ज़्यादा आपको रिस्क गलती से भी नहीं लेना है। 20 पैसे तक आपका मैक्सिमम रिस्क है, उससे ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है, और आप फिर अपना इसमें एग्जिट कर देंगे अगर ये इसके नीचे जाता है तो, ठीक है। बाकी जिनको बाई करना है बाई इसमें अभी ना करें, क्योंकि अभी इसमें किसी भी एक लेवल पे आके सस्टेन नहीं किया है, तो अभी गलती से भी बाइंग ना करें, बाइंग इसमें अवॉइड करें जब तक ये अपना किसी एक लेवल पे आके सस्टेन नहीं करता, तब तक आप इसमें बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी ये किसी भी लेवल पे आके सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पर सस्टेन कर रहा था लेकिन यहाँ कर नहीं पाया, इसने इस लेवल को तोड़ दिया, तो इसलिए अभी ये जो सही समय आपका इसमें इन्वेस्ट करने का नहीं है, इन्वेस्ट अभी ना करें, ठीक है। बाकी जो लोग इन्वेस्ट कर लिए यहाँ पर, वो लोग जो है अपना 15 पैसे 20 पैसे का लॉस लेके इसमें अपना एग्जिट कर सकते हैं, जो लोग जिन्होंने यहाँ पर अपनी एंट्री ली थी, ठीक है। बाकी इसके रिजल्ट आने वाले मई अपना 17 मई को, मतलब कि मंडे अपना ट्यूसडे के दिन, तो ट्यूसडे को देखते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं और कैसे इसमें रिएक्शन हमें देखने को मिलता है इसके रिजल्ट का। बाकी आपका जो सपोर्ट है कहाँ पर, 1 रुपये पर सपोर्ट रहेगा, और जो टारगेट हमारा अभी जो है वो आपका 1/40 पैसे और 1/55 पैसे का रहने वाला है, ठीक है। बाकी तो ये रहेंगे लेवल, और ये रखता वीडियो वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखें और अपने फाइनेंशियल एडवर्टाइज वाले तो उन्होंने पैसा निवेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।